मैं थोड़ा सा भी मार्केट की नहीं सुनती हूँ तो ऐसे जोर का डंडा पड़ता है ना कि बाद में फिर याद आ जाता है कि भाई मेरे से गलती हो गई दोबारा मिस्टेक नहीं करूँगी भयंकर थप्पड़ पड़ता है और जब जब ऐसे किया है थप्पड़ पड़ा है बहुत सारे लोगों को फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ जंप करना है भैया जब टर्मिनल के सामने बैठते हैं ना तो सब खुश हो जाता है हेलो एवरीवन एक और वीडियो के साथ हम आ गए हैं और ज्योति मैम के साथ ही आए हैं ज्योति मैम हमने आपके साथ मल्टीपल सीरीज करी हुई है पॉडकास्ट की जो टेक्निकल्स पे भी है ऑप्शंस पे भी है बट ट्रेडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो है साइकोलॉजी तो मैम हंड्रेड में से स्ट्रैटेजी लक वगैरह वगैरह सब मैटर करता है लेकिन साइकोलॉजी का फोर्टी का वेटेज है तो इसको इतना ज़्यादा वेटेज दिया गया है तो वो कैसे हम छोड़ सकते हैं तो इस साइकोलॉजी पे आपका थोड़ा व्यू चाहिए कि आप अपनी साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करते हैं कैसे डिसिप्लिन रखते हैं खुद को एज अ ट्रेडर और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स भी कहीं ना कहीं गलती करते होंगे और आपने भी कहीं अपनी यंग जर्नी के टाइम पे ये सब मिस्टेक्स फेस की होगी ये सब प्रॉब्लम्स फेस की होगी तो आपने उसे ओवरकम कैसे किया और जो आप अपने तरीके से समझाते हैं व्यूअर्स uh, को तो उसी तरीके से आप इस टॉपिक पे भी हमें थोड़ा समझाया देखिए ऐसा है आपने क्वेश्चंस तो बहुत सारे कर दिए इसलिए वापस वापस पूछते जाना क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। श्योर sure, मैम अच्छा सबसे पहली बात मैंने यंगर में ही नहीं आज भी मिस्टेक करती हूँ okay. और जब भी मिस्टेक करती हूँ तो ऐसे जोर का डंडा पड़ता है ना कि बाद में फिर याद आ जाता है कि भाई मेरे से गलती हो गई दोबारा मिस्टेक नहीं करूँगी वो गलती से मिस्टेक यहाँ पे नहीं चलती है भयंकर थप्पड़ पड़ता है और जब जब ऐसे किया है थप्पड़ पड़ा है डिसिप्लिन बोलना वर्ड बहुत आसान है ग्रीड फियर डिसिप्लिन साइकोलॉजी ये सब बोलना बहुत आसान है भैया जब टर्मिनल के सामने बैठते हैं ना तो सब खुश हो जाता है और जब प्रॉफिट आ रहा होता है ना तो अच्छा लगता है लेकिन लॉस भी अच्छा नहीं लगता इसलिए हम प्रॉफिट फटाफट बुक कर लेते हैं लॉस में खड़े रहते हैं कि हाँ नहीं नहीं मेरे भाव वापस आएंगे तो ये जो है ना ये मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कितना भी समझा दूँ मैं खुद भी इस पोजिशन से इतनी जूझी हूँ इतना स्ट्रगल किया है मैंने कि सुना मैंने भी सबसे है कि भाई डिसिप्लिन रखना चाहिए स्टॉप लॉस रखना चाहिए ये रखना चाहिए बोलना बहुत आसान है भैया जब सिस्टम के आगे बैठते हैं ना तो दिमागी काम करना बंद कर देता है अच्छा एक बात मैं आप ही से हूं कई बार ऐसा होता है ये हमारी किसी से बात हो रही होती है और कोई बात को लेके बहस हो जाती है राइट right? उस वक्त आपको इमीडिएटली आंसर सूझ जाते हैं क्या मैम ये तो सबसे ऐसी चीज है जो गेस

टर्मिनल के सामने बैठ के बोलना इज नॉट सो इजी लेकिन हाँ करते 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 पहुंची तो हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है मैम तो आपकी जर्नी में मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बहुत टाइम आई होगी बहुत बार ऐसी चीजें आई होगी तो आपने उससे कुछ लर्निंग ड्राइव करी होगी कि इसकी जगह मैं ऐसा करती तो ऐसा होता तो उसमें से कुछ आपने ऐसा होगा कि यार ये चीज़ अगली बार तो ध्यान रखूंगी तो ऐसे कुछ रूल्स आपने नोट डाउन देख लो खुद के लिए उसमें जो मैंने रूल्स नोट डाउन किए हैं उसमें अपना सिंपल एक स्ट्रैटेजी है कि जैसे हम बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं ना वैसे मैं भी मार्केट को पॉकेट मनी देती हूँ मार्केट मुझे इनकम देता है मैं मार्केट को पॉकेट मनी देती हूँ अच्छा तो बस इस महीने का पॉकेट मनी दे दिया अब वो लग गया ना खत्म हो गया ना खत्म अगर वो समझो फर्स्ट वीक में ही मेरा वो पॉकेट मनी खत्म हो गया तो ये नहीं कि मैं पूरे महीने ट्रेड नहीं करूंगी करूंगी क्या करूंगी सिर्फ एक कैश की क्वांटिटी करूंगी क्यों क्योंकि मैं मार्केट से हटना नहीं चाहती गैप नहीं लेना चाहती स्टडी कंटिन्यू रहेगी लेकिन ट्रेड कैश में होगा और एक ही क्वांटिटी में होगा अब कितना लॉस ले लेगी मार्केट मेरे से तो आपने जो एक अपना कैपिटल फिक्स कर दिया वो वाइप आउट हुआ तो उसके बाद आगे बढ़ना ही नहीं है मतलब नहीं बढ़ना है ये महीना बिल्कुल नहीं ऑप्शन हो चाहे फ्यूचर्स हो चाहे वो कैश मार्केट हो डिलीवरी okay. बेस कुछ भी होने दो मेरा ये महीने का लॉस फिक्स है तो फिक्स है प्रॉफिट मैंने फिक्स कर रखा है नहीं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट लेते हो मार्केट से अनलिमिटेड लेते हो मैम मिलता नहीं वो बात अलग है हाँ ले तो वही बात है ना मिलता है लेकिन प्रॉफिट में आप जल्दी निकलते हो ना हाँ। तो लॉस पे वेट क्यों करते हैं सही बात है तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ देखिए अगर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ स्टडी के बेस पे मेरा जो स्टॉप लॉस आता है उसको यूज करती हूँ और या फिर मनी वाइज कि भाई मैं इस ट्रेड में इतना ही लॉस ले सकती हूँ ठीक है तो वो यूज कर सकती हूँ और उसके बाद महीने का इतना हो गया खत्म कहानी अब सिर्फ एक एक क्वांटिटी ट्रेड करनी है और ये महीना अच्छे से स्टडी करना है बिकॉज आपने कहा ना टेन परसेंट लक है अगर लक अच्छा होता तो सारी रीडिंग मेरे फेवर में जाती ना मेरे स्टॉप लॉस होते ही नहीं ना तो लक जो है अच्छा दूसरी बात बहुत लोग ये बोलते हैं कि लक जरूरी है बाकी कुछ जरूरी नहीं है तो भाई ऐसा है कि लक कितना बजे मेरा साथ देगा वो भी नहीं पता में कौन से दिन साथ देगा वो भी नहीं पता हमें ये सब नहीं मालूम राइट right? तो हमें क्या मालूम है हमारे पास नॉलेज है हम जानते हैं सीखते हैं और उसके बाद हमारे पास उसको ट्रेड को मेंटेन करना कट करना वो हमारे हाथ में है तो बेसिकली आपने आपका जो स्टॉप लॉस जो आपका लिमिट करता है लॉस वो तो एक लॉस लिमिट करने का तरीका है ही उसके अलावा आपने खुद को भी एक कैपिटल से बांध दिया कि इससे नीचे लॉस होगा तो मार्केट से आउट अच्छा एक बात पूछते हो तुम पापा मम्मी से पॉकेट मनी मांगते थे हाँ। मिलता था लेट्स से आपको दस हजार पॉकेट मनी मिल गई वो आपने दो दिन में खर्चा कर दिया फिर वापस मांगे दस हजार मिलते नहीं थे पर थोड़ा सा और वो तो थोड़ा बात बन जाती थी बन जाती थी ठीक है वो भी दे दिया दो तीन दिन में खर्चा हो गया हाँ। फिर तीसरी बार वापस मांगे फिर तो मार पड़ेगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे शायद फिर भी मिल जाए एक बार और अब वो भी दे दिया फिर वापस मांगा उसी महीने फिर तो नहीं मिलेगा क्या? उस महीने छोड़ो पूरे साल नहीं मिलेगा <laughs> ये बात सही है क्यों तुमने इतना जो खर्चा कर दिया ना इस महीने में तो उनको तुम्हारी हैबिट्स पे शक होने लग गया ओके okay. तो उनको एक डर बैठेगा कि ये हाथ से निकल जाएगा ये पैसे बर्बाद कर रहे अगर ये चीज हम बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं तो खुद के साथ क्यों नहीं हमें किसने अधिकार दिया है कि हम अनलिमिटेड पैसा हर महीने लुटाए और कैपिटल खत्म कर दें और अगले महीने फिर क्या करेंगे अगर लॉस करने की आदत बन जाएगी तो कैसे सर्वाइव करेंगे दूसरी बात ये बिजनेस है बिजनेस को बिजनेस की तरह से करते ओके आप जॉब करते हो हाँ। कितने बजे आते हो ऑफिस में साढ़े नौ और जाते कितने बजे हो सात आठ बजे ऐसा क्यों नहीं होता कि आप जब मन करे तभी आओ साढ़े नौ बजे आना क्या जरूरी है साढ़े बारह एक दो ढाई जब मन करे तब आना मैम वो तो कुछ रूल है कमिटमेंट है क्या जो ऑफिस में क्यों मा, क्यों मानने का क्यों मानने का मैम उस बेसिस पे ही रुपए मिलते हैं कि क्या रुपए मिलते हैं सैलरी जैसे मिलती है नहीं चाहिए मेरा मन करेगा तब आऊँगी तब जाऊँगी बट मैम फिर काम कैसे होगा तो ये रूल तुम्हारे जॉब में है कोई बिजनेस करते हो बिजनेस का एक रूल है राइट अगर आप शॉप खोल के बैठे हो तो किसी को भी हाँ जा तू ले जा कर ला के पैसा दे देना ऐसे चलेगा नहीं मैम ऐसे तो कैसे चलेगा तो सब जगह आपने अपने एक रूल्स बनाए हुए हैं फिर मार्केट में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे आते ही लुटाओ पैसे जैसे पैसे आपके मेहनत के नहीं है चलो मैं आपसे पांच लाख रुपए मांगती हूँ पांच लाख छोड़ो एक लाख लेकिन वापस मत मांगना गारंटी भी नहीं है कि मैं दूंगी कि नहीं दूंगी कुछ मत पूछना मैम ऐसे तो कैसे ही चलेगा क्यों मैम वो बहुत हार्ड एंड मनी है मेरा ऐसे कैसे दे दूं तो ये हार्ड एंड मनी मेरे को देते टाइम ही आप सोच रहे हो मार्केट को देते टाइम आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि आपका ज्योति आप ट्रेडिंग पढ़ना चाहते हैं yes, ज्योति बुधिया मैम के साथ रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है ज्योति बुद्धिया लर्निंग पाथ इस लर्निंग पाथ में आपको ज्योति मैम के सभी कोर्सेज का एक्सेस वन गो में मिल जाएगा जैसे की आप देख सकते हैं इस लर्निंग पाथ में टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडिंग ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेडिंग और मैम के बाकी सभी कोर्सेज अवेलेबल है एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अगर आप इंडिविजुअली इन कोर्सेज को बाई करते हैं तो आपकी फीस कुछ 1600 टू 2000 के बीच होगी बट इफ यू बाई दिस लर्निंग पाथ यू गेट इट फॉर ओनली 999 इजंट दैट एक्साइटिंग तो आज ही इस लर्निंग पाथ को सब्सक्राइब कीजिए और ज्योति मैम से ट्रेडिंग सीखिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो बट मैम ऐसा मेरे को लगता है कि uh, एक जब टाइम आता है कि जब आप खुद कमाने लग जाते हो आप काफी बार आंसरेबल नहीं होते हो किसी को भी कि जो पैसा अगर आप कहीं पे भी लगा रहे हो खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो आप आंसरेबल नहीं होते हो तो उस सिचुएशन में क्या करें मतलब किसने कहा आप आंसरेबल नहीं हो आप अपने ही फ्यूचर को आंसरेबल हो क्योंकि वो ही पैसा आपको आगे जाके बचाएगा आपकी लाइफ आगे उसी पर डिपेंड है आपने वो वाला पैसा मार्केट में लगाया है आज हम जब स्टडी करने जाते हैं तो पांच लाख रुपए, दस लाख रुपए, बीस लाख रुपए कॉलेज में या हायर एजुकेशन के लिए पैसा देते हैं किस उम्मीद पे देते हैं कि बाद में हमें एक कुछ बेटर जॉब मिले या एक बेटर फ्यूचर मिले बेसिकली राइट ऐसे ही तो हम नहीं दे देते नहीं कि जा बेटा ऐश हम्म दूसरी बात आपने वो पैसा दिया फीस जो है लेटर से पार्ट पार्ट में इंस्टीट्यूट को देनी है हुँ. या कोई कॉलेज को देनी है और आपको लग रहा है कि भाई मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा तो आप सेकेंड राउंड या सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोगे नहीं मैम नहीं दूंगा नहीं हो रही है तो, तो, मैं? तो वो नहीं हो रही है और तुम बड़े बड़े ट्रेड्स कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो एक बार दे दिया दो बार दे दिया तीन बार दे दिया अरे कैपिटल जीरो करके ही मानोगे क्या और वो भी उससे बड़ी बात लोन पे लेके पैसा काम करते हो बहुत लोग करते हैं क्यों भी। उम्मीद उम्मीद भी। पे दुनिया कायम है शेयर मार्केट भी कायम है लेकिन प्रॉफिट आना वो कायम नहीं है प्रॉफिट आएगी नॉलेज डिसिप्लिन और लक अभी लक अच्छा है तो नॉलेज मिलेगी लक और नॉलेज दोनों हो गई तो डिसिप्लिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाएगा ना फिर भी आप समझ जाओगे थोड़ा बहुत हमें तबीयत खराब होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करा रहे हैं हाँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों की बातें सुन रही थी कि आप लोग के ऑफिस में भी चेकअप होता है और कुछ इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि भाई तुमको इस चीज में सावधानी रखनी है हाँ। आप इमीडिएटली उस पर सावधान क्यों हो गए छोड़ो ना जाने दो देखा जाएगा यही तो टाइम है करने का, अभी से ही नहीं खाएंगे, पीएंगे, तो फिर क्या वो उम्मीद वाली बात थी कि जब भी हम ऐसा कुछ ट्रेड लेते हैं, तो, तो स्टॉप लॉस अपने आप ट्रिगर होके हमें हटा देता है पोजीशन से बट वो ग्रीड वहाँ पे जो प्रॉफिट का जो है कि यार नहीं थोड़ा सा और थोड़ा सा और आ जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करूँ मैं या हमारे व्यूअर्स पार्ट प्रॉफिट बुक करो पार्ट प्रॉफिट बुक करते जाओ हर लेवल पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो मैं तुमको लाख रुपए दूं और तुमसे दो लाख छीन लूँ तो मैम ये तो कैसे ही चलेगा मतलब अगर तुमने लाख रुपए की कमाई टेबल पे रखी है हुँ. मैं कितना उठा के उसमें से भाग सकती हूँ इमीडिएटली तुम बचाने की कोशिश कुछ भी नहीं लेके जा सकते थोड़ा बहुत तो खींची लूंगी मैं

उसके बाद वापस वो पच्चीस हो सकता है मैं नानी बोलती हूँ लेकिन अगर पच्चीस हो सकता है तो जीरो भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है हम हमेशा पॉजिटिव साइज क्यों सोचते हैं नेगेटिव क्यों नहीं सोचते हैं पॉसिबल है ना हाँ। हम हमेशा जब भी ट्रेड लेते हैं जैसे हमने बाय लिया तो हम क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा हाँ। इसलिए हम उसका कोई प्रिवेंशन प्रिकॉशन कुछ नहीं लेते हम्म क्यों क्योंकि हमें ऐसा उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा हाँ लेकिन गिर भी तो सकता है और मैम इसी पे मेरा वही एक है कि अगर जैसे मेरा लॉस हो गया आज तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अब ये लॉस को वापस लेने के लिए आज मैं एक और ट्रेड लूंगा और वो लॉस उससे कवर करके दिखाऊंगा और वो लॉस कवर करने के चक्कर में मेरा और लॉस हो जाता है और

बस से लड़ाई करो मारपीट करो फिर टिक्के दिखाओ सही बात है तो मार्केट से तुम अगर झगड़ा करोगे कि नहीं मैं तो वापस अपना प्रॉफिट लेके दिखाऊंगा लेके दिखा सकते हो लेकिन प्लान क्या है उसके लिए बिना सोचे समझे नहीं नहीं मैं तो मार्केट से अपना प्रॉफिट लूंगा तो मुझे ट्रेड जबरदस्ती ढूंढना ही ढूंढना है ओके। प्लान बनाया कुछ वापस लेने के लिए तो भाई साहब हमको अगर किसी से रिवेंज लेना होता है

ऑलमोस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं या नॉमिनल प्रॉफिट से सुना ऐसा हाँ? कि कई बार ऐसा हुआ है क्यों कि उसके बाद वो संभल जाते हैं रीडिंग करके प्रॉपरली काम करते हैं शुरू में वो केयरलेस होते हैं तो ये जो चीज वो बाद में करते हैं वो पहले से क्यों नहीं कर लेते लेकिन क्या होता है ना कि पहले हमको लगता है कि आई एम द किंग सच्ची बताओ एक ट्रेड सही गिर जाए दो ट्रेड सही गिर जाए ना तो फिर वही फीलिंग आता है पुनिच भगवान है hmm. मार्केट अपने ऊपर ही चल रहा है मैं जैसा मार्केट को डायरेक्शन देता हूँ ना मार्केट वैसा ही चलता है और वो आया और हम गए hmm. तो मैंने कहा ना कि इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन आज भी जिस दिन मेरे दिमाग में ये फीलिंग आती है और मैं थोड़ा सा भी मार्केट कि नहीं सुनती हूँ वही बैंड बच जाती है और मैम इसमें एक यही चीज़ पे है कि मैंने कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा था कि आपको या तो दो लोग मिलेंगे एक होंगे जो एकदम ही बहुत लॉस करके बैठे होंगे तो ऐसा होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है या वो ऑप्शन ट्रेडिंग को जितना गाली दे लेंगे बोलेंगे भाई इसमें पैसा नहीं बनता मेरे को नहीं करना और कुछ होते हैं जिनको एकदम ही सीखना वाला होता है कि नहीं इसको पढ़ लिख के कुछ करा जा सकता है इससे बनाई जा सकती है इनकम इनकम और और एक actually, और एक साइड एक्चुअली right. तो ना हुँ. पहले क्यों नहीं सीखने की बात करते right? exactly. अगर वो पहले सीख लें तो कोई प्रॉब्लम है देखो होता क्या है मैं आपको बताऊ हम लोग यूट्यूब से गूगल से इधर उधर से बिट्स एंड पीसेस में नॉलेज इकट्ठी करते हैं yeah. अब उसमें हमने क्या नहीं सीखा और क्या बारीकी रह गई वो पूछने कहाँ जाएंगे yeah. और फिर बाद में क्या कहेंगे कि देखो हमने उसका वीडियो देख के ट्रेड किया था बड़ा लॉस हो गया तो उसका सही नहीं है अरे पहली बात बड़ा ट्रेड क्यों किया ट्रेड इतना छोटा करो बिकॉज इट इज अ ट्रायल एक बात पूछो पानी गर्म है या नहीं कैसे पता चलेगा जब तक हाथ नहीं डालोगे कितना हाथ डालोगे पहले तो उंगली वो, वो, तो से तो फिर अगर ये आपको मालूम है कि उंगली से पानी को टेस्ट किया जाता है तो इतनी सी यूज की थी ना ट्रेड भी इतना सा करके देखो तो सही कंटिन्यू की आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो आप इस मार्केट में टिक पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो आपका टेम्परामेंट ट्रेडिंग का है कि इन्वेस्टमेंट का है ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेडिंग के लिए शेयर लिया और वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गए मतलब प्रॉफिट हुआ तो बेच दिया लॉस हुआ तो घर में रख लिया तो मैम जैसा कि अभी आपने कहा कि किड्स एंड बिड्स में इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है और हम कंज्यूम कर रहे हैं बट उसमें गलत भी क्या है कि मैं चार स्ट्रेटजी उससे सीख ली दो चीज उससे सीख ली एक साइकोलॉजी कहीं और से सीख ली और आजकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि हम सारी पढ़ भी नहीं पाते तो इस बीच में गलत क्या है अगर मेरे को दो चीज़ इधर से समझ में उधर से मैं करके कर, कर लूँगा कैसे भी। कोई गलत नहीं है अगर तुम उसको करके प्रॉफिट कमा सकते हो तो कोई गलत नहीं है लेकिन अगर उसको करने से तुमको लॉस हो रहा है या तुम कहीं फंस गए और तुमको समझना है कि मेरी गलती क्या है यहाँ पे किसको पूछने चाहोगे किसी एक को तो नहीं पूछ सकते हाँ तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो एक अपना हेल्पर या कोई एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो आपको गाइड मेंटर कुछ कर सकता है ये जरूरी नहीं है कि वो मैं हूँ कोई भी हो सकता है जो आपको चाहिए वो देखो मेरा मेन मोटो क्या है

आप कौन सी कंपनी में प्रॉफिट करना चाहोगे जो ऑन ऐसी क्यों? उसमें थोड़ी गारंटी आती है कि वो कंपनी आगे भी अच्छा ही करेगी तो क्या ये आपके घर वाले ये चीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं की आप भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट करो साल साल भर आप हर साल आपकी बैलेंस शीट आप घर पे पैसा लाके देते रहो ऐसा नहीं है कि एक साल आपने बड़ा लॉस कर दिया एक साल प्रॉफिट कर दिया मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अरबपति करोड़पति ऐसे कर, बनो आप करोड़ों की प्रॉफिट करो एक कंसिस्टेंट इनकम इतना तो कर सकते हो कि भाई आप अपनी लाइफ में एक एसेट क्रिएट कर सको जो आपकी इच्छा है जो आपका घर जिससे चलता हो उतनी इनकम तो करो कम से कम और मैम इसमें एक और चीज है जो मैंने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ी थी कि बहुत सारे लोगों को फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ जंप करना है तो कब हमें ऐसा वो स्टेप लेना चाहिए कि हम एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कंटिन्यूसली मेंटेन कर सकते हैं ठीक है पहले आप अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें प्रॉफिट कर रहे हो हाँ अगर वो प्रॉफिट कर रहे हैं तभी ऐसा पहली बात वो कि आप प्रॉफिट कर रहे हो राइट right. अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कितनी प्रॉफिट कर रहे हो जितनी आपकी सैलरी उससे ज्यादा की प्रॉफिट ले रहे हो ठीक है राइट right? तीसरी बात पहले दो साल की सैलरी प्रॉफिट के रूप में जमा करो ठीक है और वो घर वालों को दो उसमें से एक पैसा वापस मत लेना कल को अगर आपने लॉस कर दिया तो घर वाले कम से कम अपना घर दो साल तक चला सकेंगे और इस बीच में आप नई नौकरी ढूंढ के फिर से काम में लग सकते हो अब मैं तीसरा ऑप्शन देती हूँ कि अगर आपने दो साल की इनकम जमा कर ली जॉब के साथ में तो फिर जॉब छोड़ने की जरूरत ही क्या है आप इनकम कर सकते हो ना वैसे भी अब एक बात बताओ मान लो अगर सब लोग यही सोचने लगे कि शेयर बाजार से ही कमाना है और सब लोग अपना अपना जॉब छोड़ के शेयर मार्केट में आ जाए राइट कंपनीज का क्या होगा वहां कोई काम करने वाला नहीं रहेगा राइट right? अगर कम वा... करने वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे वो बात की बात है लेकिन जो प्रॉफिट हम कंपनी से चाहते हैं वो सब जो है क्या वो मिलेगा हमें मुश्किल है राइट अच्छा, right? तो बहुत सारी चीजें जो होती है ये हमें सोचनी पड़ती है समझनी पड़ती है देखो जॉब जो होता है ना वो एक तरीके की सिक्योरिटी है ठीक है मार्केट आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है ये अलग बात है कि हम लोग जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि मैंने आज अगर पाँच हजार रुपये कमाए अच्छा चाहिए तो पाँच हजार मैंने कमा लिए मतलब महीने का लाख रुपए तो मैं आराम से कमा सकता हूँ बीस ट्रेडिंग डेज में साल के दस बारह लाख तो मैं एकदम आराम से कमा सकता हूँ हाँ तो मेरी तो गाड़ी आराम से चल जाएगी अगर लाख रुपये महीना आ जाए तो ये जो हम एक दिन की इनकम पे एक महीने की एक साल की और लाइफ टाइम की इनकम जो गिन लेते हैं ये कहाँ तक जेन्यन है एक जॉब के ऊपर तो हम प्लानिंग बना सकते हैं लेकिन क्या आप ट्रेडिंग पे कोई प्लान बना सकते हो अपने लाइफ का अपनी फैमिली का सही बात है नहीं कर सकते तो फिर ये जो चीज़ है जॉब वाली जॉब जो है एक तरह की सिक्योरिटी है आपकी फैमिली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी आपसे उम्मीद है क्योंकि मार्केट जो है ना ये लुक्रेटिव है इसमें सपने बहुत देख सकते हैं बड़े बड़े सपने देख सकते हैं लेकिन पूरे होंगे या नहीं उसके लिए जो मेहनत करनी है वो तो करनी पड़ेगी तो मैम जैसे कि आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं इन्वेस्टर हैं तो अगर आपको देख के कोई एस्पायर करता है आपके जैसा ही बनने का कि मुझे कहीं मुझे मतलब मार्केट्स में ही अपना फुल टाइम देना है या एज अ फुल टाइम ट्रेडर ही मेरा प्रोफेशन बनाना है मुझे तो वो एक स्टेप कैसे लिया जाए तो देखो भाई ऐसा है कि सबसे पहली बात मैं टेक्निकल्स कर रही हूँ नाइनटीन से हुँ. और ऑप्शंस कर रही हूँ टू से लेकिन एक बात समझ लो मैं 1990 और से ही एवरी डे दो घंटा की प्रैक्टिस करती हूँ इवनिंग में तो मतलब आप आज तक ये दो घंटे की प्रैक्टिस हर एक दिन बिल्कुल कर रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है अगर वो दिन मिस हो गया तो मैं दूसरे दिन मार्केट में बैठे बैठे निकाल दूँगी लेकिन ट्रेड नहीं करूंगी। तो ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन सबको ऐसा लगता है कि कम मेहनत वाला है ये तो ज्यादा मेहनत वाला ये लग रहा है बहुत मेहनत है किसने कहा कम मेहनत है इतना आसान नहीं है आज साढ़े दस से साढ़े बारह तक मैं रोज स्टडी करती हूँ या ग्यारह से एक स्टडी करती हूँ रात को क्यों रात को करती हूँ बिकॉज दैट इज पीसफुल टाइम मार्केट में तो हूँ तब तक तो करती हूँ राइट right? और उसके बाद शाम को करती हूँ लेकिन करना जरूरी है बिकॉज नहीं तो अपडेशंस कैसे मिलेंगे कल क्या होगा उसकी आइडिया कैसे मिलेगी तो क्या ये सब जरूरी नहीं है और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस हिट इज अ स्टॉपलॉस हिट यह मान लेना वाई बिकॉज इफ यू डोंट पुट अ स्टॉपलॉस इन योर ट्रेडिंग ट्रेडिंग विल बी स्टॉप फॉर एवर ये काफी डीप लाइन कही है आपने तो मैम आप इतनी सब चीजें कर रहे हो इतना से डेली स्टडी कर रहे हो तो एक छोटा सा एक गाइड हमारे व्यूअर्स के लिए दे दो कि आपकी इतनी बड़ी लर्निंग में से कि ये दस चीजों को अपना डिसिप्लिन बना लो डेली लाइफ का तो इससे एटलीस्ट आपकी लाइफ में कुछ हद तक चीजें इम्प्रूव हो जाएगी बिल्कुल स्टडी उसके बिना तो है ही क्या आप जॉब पे भी जाते हो तो पहले यही पूछते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. ऐसे तो जा नहीं सकते किसी भी जॉब पे तो पहली चीज स्टडी यहाँ पे भी हम यही पूछेंगे आपकी आपने कितनी पढ़ाई की ठीक है तो ही पैसा मिलेगा ओके तो पहली बात है स्टडी दूसरी बात आप खुद किस मेंटेलिटी के पर्सन है मार्केट में आप सेंसिटिव हैं आप में होल्डिंग पावर है प्रॉफिट में खड़े रहने की ताकत है लॉस को जल्दी काटने की ताकत है तो उस तरह के ट्रेड्स लीजिए ठीक है अगर मैं जल्दी घबरा जाता हूँ या कुछ हो जाता है तो पहली बार ट्रेडिंग ही मत करिए बहुत एक्साइटमेंट वाले लोगों से मुझे अगर... जिंदगी से प्यार है ना अगर इतना एक्साइटमेंट लेके ट्रेडिंग करोगे तो बहुत सी बीमारियां घर पे आ जाएगी अगर बीपी जल्दी बढ़ता है तो पहले ही अरे बीपी बढ़ते बढ़ते फट गया तो सही बात है तीसरी बात स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है नहीं करना है नहीं करना है प्रॉफिट आए ना आए वो सेकेंडरी है लेकिन बड़ा पैसा नहीं जाना चाहिए उतना ही जाना चाहिए कि मेरी पॉकेट रोए नहीं कि भाई तुमने मेरा कचरा कर दिया मुझे खाली कर दिया अब मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ कैसे तुम्हारा घर चलाऊँ वैसी वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए चौथा रिस्क मैनेजमेंट तो है ही पोजीशन साइजिंग है सब कुछ है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पास पैसा कितना है कैपिटल कितना है और मुझे कितना डिप्लॉय करना चाहिए तो सबसे पहले वो चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि हम आपकी ट्रेनिंग का पैसा क्यों दें मैं बोलती हूँ बिल्कुल मत दो बोलो उतना पैसा तो हम मार्केट में डाल के और सीख लेंगे वो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप मार्केट में डाल के सच में सीख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर नहीं सीख पाए तो फिर किसके पास जाएंगे तो मैंने क्या किया है आपसे टाइप किया अफसर से किस लिए टाइप किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसे व्यूअर्स हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए मैं फ्री कोर्सेस बना रही हूँ बिल्कुल और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं नॉमिनल फीस तो नॉमिनल फीस मेंटरशिप दे रही हूँ आपको जस्ट exactly. बिकॉज right? yes. मुझे ये चाहिए कि लोग थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग की तरफ करें और कॉन्शियस हो ऐसे मतलब सट्टे की तरह ना खेले बिल्कुल मतलब सोच समझ कर सही दिशा में ट्रेड करें एटलीस्ट और जहां तक साइकोलॉजी का सवाल था ना डेढ़ सौ साल से यही चलता आ रहा है पचास साल पहले भी यही था दस साल पहले भी यही था आज भी यही है आने वाले सौ साल में भी यही रहेगा जब तक ये नहीं कंट्रोल करोगे ना तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी और ये कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं होता इसके लिए बहुत मतलब अपने आप को कड़क करना पड़ता है फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है काफी सही बातें कही है ना आपने और ये काफी रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट अरे भाई मेरे लिए भी कोई आसान काम नहीं था मैं भी बहुत भुगती हूँ थोड़ा 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 करके कड़क हुई हूँ बट मैम मुझे इसमें यही लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं मेरे तरीके से फिगर आउट कर लूंगा या मैं खुद से सीख लूंगा बहुत अच्छी बात है कि मार्केट से लड़के सीख लूंगा लेकिन बहुत अच्छी बात है मैं उसके लो... लिए डिनाई नहीं करती हूँ मैं बोलती हूँ दे आर द बेस्ट पीपल इफ दे कैन डू इट बाईम सेल्फ क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करके डिग्री हासिल कर लेना इस वो वही लोग करते हैं जिनमें वो कैपेसिटी है बेस्ट है लेकिन बहुत लोग तो स्कूल भी जाते हैं कॉलेज भी जाते हैं क्यों क्योंकि वहां पे एक अलग ढंग का डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट हैंड होल्डिंग गाइडेंस ये सब मिलता है और जो लोग ऑनलाइन करते हैं वो भी तो डिग्री लाते हैं लेकिन जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस किसके पास आएगा वो जो कॉलेज जा रहा है कॉलेज जा रहा है या जो एम कर रहा है मतलब जाके कर रहा है कि कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू कर रहा है जो जाके कर रहा है मैम तो बस यही चीज है कि अगर अब एक बात बताइए एक सीए है लॉयर है ये लोग भी तो साल दो साल किसी के अंडर रहते हैं बिल्कुल क्यों मैम डायरेक्ट एजुकेशन के बाद काम पे क्यों नहीं लग जाते मैम क्योंकि जो लोग पहले से उस फील्ड में हैं, तो उनका अनुभव थोड़ा उनके काम आता है उनके अंडर थोड़ी बहुत जो गलतियां करते हैं तो वो उनको करेक्ट करने के लिए कोई होता है उनके साथ और मतलब वो लोग अगर कोई चीज के बिल्कुल ही नए हैं तो उनसे उनका नॉलेज ले लेते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा है मतलब वो कब से है उस फील्ड में तो ये मैं कहती हूँ हर आदमी हंड्रेड परसेंट नहीं होता मान लो कि आज मैं भी हूँ तो शायद मैं हंड्रेड परसेंट नहीं दे सकती लेकिन कुछ तो गाइड कर सकती हूँ कुछ हद तक तो उनको आगे ले जा सकती हूँ ज्यादा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं ऐसा ये जरूरी नहीं है कि सब गलत हो लेकिन अगर मान लो गलत भी है कोई भी तो भी ऐसा नहीं है कि उससे कोई नॉलेज नहीं मिली हो लेकिन अगर जो गलत नहीं है थोड़ी नॉलेज मिल जाए थोड़ा सपोर्ट मिल जाए थोड़ा हैंड होल्डिंग मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा जो ग्रोथ हमारी पाँच साल में होनी है वो ग्रोथ हमारी दो साल में हो जाएगी बिल्कुल बस यही मैं कह सकती हूँ थैंक यू मैम अपने ये काफी ज्यादा एनलाइटनिंग सेशन था और मेरे को काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे मिले हैं जो आई गेस मैं अपने साथ घर लेके जाऊंगा और अपने आगे की जर्नी में इन्वॉल्व करूंगा और बहुत सारे व्यूअर्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा जिन्हें ऐसा लगता है कि किसी का साथ होना या किसी एज अ कोई मैंटोर अगर कोई साथ रहता है तो उससे तुम्हारी जर्नी में तुम बहुत कुछ ज़्यादा सीखते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हो जो तुमने सोची भी नहीं होगी तो हमें ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहिए जिसको हम जाके कुछ सवाल पूछ सकें तो थैंक यू ज्योति मैम आपने काफी ज्यादा नॉलेज दी है अपने अपने इस थर्टी एट ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ हमें मैम थर्टी एट नहीं ये मुझे अपने दादाजी और नाना जी से मिला हुआ है पापा से मिला हुआ है और फिर जो मेरा प्लस थर्टी एट इतने सालों का निचोड़ प्लस रिंग में जो ब्रोकर्स लोगों से मिला हुआ है इतनी सारी शिक्षा को कम्बाइन करके मैंने थोड़ा सा दिया है थैंक यू मैम तभी आपके वीडियो इतने इंसाइटफुल सभी को लगते हैं थैंक यू माई फ्रेंड्स थैंक यू तो ये मेंटोरशिप एटीन ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो ये बैच हमने स्पेशली आप सभी के लिए रखा है ताकि आप सभी तक मैम की मेंटोरशिप पहुंच पाए और मैम से आप वन ऑन वन बेसिस पे भी डाउट पूछ पाए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और पिन कॉमेंट्स में भी रखा है तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको और भी कोई ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट करिएगा और लाइक like जरूर कीजिएगा इससे हमें बहुत मोटिवेशन होता है और इससे हमें पता पड़ता है आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे Thank you.